स्वागत है आपका। और आज हम 11th क्लास के बायोलॉजी के पेपर के बारे में कुछ ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये एनुअल एग्ज़ाम का पेपर है और हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन दोनों में है इसमें। तो इसके कुछ ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यस, तो पहला क्वेश्चन इसमें चूज द करेक्ट है, सही विकल्प चुनिए। दो नामकरण दो शब्दों से मिलकर बना है, तो कौन से शब्द हैं यहाँ पर? वंश तथा जाति। यहाँ पर इंग्लिश में भी इसको देख लेते हैं अपन। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, तो कौन से होते हैं? जीन एंड स्पीसीज, इसमें टू वर्ड्स रहते हैं। और ये किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था बाइनोमियल कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जड़ विकसित होती हैं, तो मूलांकुर से, प्रांकुर से, द्विबीजपत्री से या प्रांकुर से? तो आप याद रखना, जो जड़ विकसित होती हैं वो किससे होती हैं? मूलांकुर से होती हैं। तो यहाँ भी देख लेते हैं, रूट्स डेवलप्ड फ्रॉम रेडिकल्स, तो इसका ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिका झिल्ली का फ्लुइड मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया था? कैम्बेलोवल्जी ने, स्लीडन एंड व स्वान ने, सिगर एंड निकोल्स ने या रॉबर्ट ब्राउन ने? तो सिगर एंड निकोलसन ने किया था। कितने? 1972 में इसका कौन सा दिया था? फ्लुइड मोज़ेक मॉडल दिया था सिगर एंड निकोलसन ने। यहाँ पर फ्लुइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज गिवन, सिगर एंड निकोलसन ने दिया था, तो ये इसका सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धसे हुए रंध किन पौधों में पाए जाते हैं? तो मरुस्थलीय पौधों में, जलीय पौधों में, समुद्रविद पौधों में या बीजाणुविद? तो इसका करेक्ट आंसर है मरुद्भिद, वो मरुस्थलीय पौधों में। यानी कि इन विच टाइप्स ऑफ प्लांट सकल स्टोमेटा आर फाउंड इन? तो जीरोफाइट्स होते हैं, वो कौन से, किस में पाए जाते हैं? जीरोफाइट्स, यानी कि कैक्टस वगैरह जिनको अपन बोलते हैं, एलोवेरा वगैरह के प्लांट्स होते हैं उसमें ये देखने को मिलती हैं। दूसरा है फिफ्थ वाला, लैंगर हैंस दीप उत्पन्न होते हैं, तो ये उत्पन्न करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं? इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। आइसोलेट ऑफ लैंगर हैंस प्रोड्यूस इंसुलिन, तो ये क्या करते हैं? इंसुलिन करते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि जो रिक्त स्थान है, फिलिंग द ब्लैंक्स, उनमें सभी एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को डॉट डॉट जगत में रखा गया है, तो किस में रखा गया है? मोनेरा में रखा गया है। तो यहाँ इंग्लिश में भी देख लेते हैं इसका, ऑल यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा, मोनेरा में इनको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्विबीजपत्री में डॉट डॉट प्रकार का शिराविन्यास पाया जाता है, तो किस प्रकार का पाया जाता है? जालिकावत शिराविन्यास आपको देखने को मिलता है, जिसमें इस तरीके से जाली जालियाँ पाई जाती हैं, ये मिलता है। तो यहाँ भी देख लेते हैं, डॉट डॉट टाइप्स ऑफ वेनेशन इज प्रेजेंट इन डाइकॉट लीव्स, तो यहाँ पर रेटिकुलेट पाई जाती हैं, तो इसका भी आंसर यही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डीएनए द्विकुंडलन के दोनों सूत्र डॉट डॉट से बंध से जुड़े हुए थे हैं, तो किस बंध से जुड़े हुए होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से ये जुड़े हुए होते हैं। तो इसका तीसरा आंसर भी आप देख लीजिए, यहाँ इंग्लिश का भी देख लीजिए, डीएनए डबल हेलिक्स आर बॉन्डेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं, जिंक कॉपर मोलिब्डेनम बोरोन मैग्नीज मोलिब्डेनम क्लोरीन, ये मात्रक कैसे होते हैं? लघु होते हैं,
यानी कि लघु या स्थूल मात्रक इनको बोला जाता है। तो यहाँ पर भी इसका आंसर है माइक्रो। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, जलीय जंतु उत्सर्जी पदार्थ को डॉट डॉट रूप में उत्सर्जित करते हैं। तो जो जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो हमेशा अमोनिया क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, एक्सरेटेड करते हैं। तो एक्वाटिक एनिमल क्या करते हैं, क्या एक्सरेट करते हैं, कौन सा सबस्टेंस, अमोनिया इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यहाँ देख लेते हैं, केंचुए का उत्सर्जी अंग है एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन अर्थवॉर्म इज। तो यहाँ पे कौन सा होता है, नेफ्रेडिया। क्या है इसका आंसर, नेफ्रेडिया। मैं हिंदी में लिख देती हूँ, नेफ्रेडिया। दिस नेफ्रेडिया इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अरी संबंध पुल किस में पाए जाते हैं, वेयर इज द रेडिकल वेस्कुलर बंडल फाउंड। तो वेयर आर रेडिकल वेस्कुलर बंडल फाउंड, तो ये वेस्कुलर बंडल किस में पाए जाते हैं, ये जड़ों में यानी कि रूट्स में पाए जाते हैं। यहाँ पर इसका आंसर लिख देती हूँ, जड़ों में या रूट्स, रूट्स में देखने को मिलते हैं, मोनोकोट्स वगैरह रूट्स में आपको देखने को मिलते हैं। किन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, विच टाइप्स ऑफ सेल अंडरगो मियोसिस डिवीजन। तो किसमें पाया जाता है, जो मियोसिस पाया जाता है, जर्म सेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, जर्म सेल में, जर्म सेल यानी कि स्पर्म और एग में देखने को मिलता है, स्पर्म एंड एग में आपको देखने को ये मिलेगा, जर्म सेल में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, पादप वृद्धि मापक किस यंत्र के द्वारा किया जाता है, नेम द एपिटियस यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ प्लांट्स ग्रो। तो किसके द्वारा किया जाता है, तो ऑक्सोनोमीटर है इसका आंसर। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक्सोनोमीटर। और दूसरा पूछ लिया जाए, यहाँ पर एक ही पूछा गया है तो एक्सोनोमीटर बता देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है, वेयर आर द पुरकेंजो फाइबर। पुरकेंजो फाइबर कहाँ पर पाए जाते हैं, तो हार्ट में या हृदय में पाए जाते हैं, यही पूछा गया है, पुरकेंजो तंतु कहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, सही जोड़ी दोहरा निषेचन, दोहरा निषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन। दोहरा निषेचन किस में देखने को मिलता है आपको, तो यहाँ फ्लावर प्लांट्स में देखने को मिलेगा, यहाँ आपको बता देती हूँ, फ्लावर प्लांट्स में यानी कि पुष्पीय पादप में आपको दोहरा निषेचन देखने को मिलेगा। खुला सर परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये पाया जाता है कॉकरोच में पाया जाता है। मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड में क्या होता है, ये वृद्धि हारमोन्स का काम करती है। तो थर्ड इसका ये हो गया, मास्टर ग्रंथि का वृद्धि हारमोन्स। वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में, पोरीफेरा में पाए जाते हैं, जिससे वाटर का क्या करते हैं, ये अपने अंदर निकालते रहते हैं और लेते रहते हैं। थायलोकॉइड किस में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। तो इसका सही आंसर है ये, क्लोरोप्लास्ट। तो ये इसका मैच द कॉलम हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इनके, ये क्वेश्चन है कुछ इम्पोर्टेंट 2-2 मार्क्स के, जो आप देख सकते हो, बाकी की इनका ही हम डिस्कस करेंगे, ये नहीं कर रहे, आप इनको देख सकते हो ये क्वेश्चन आंसर। जीन बिन में क्या है, क्रॉसिंग ओवर, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर क्लास में 11th 12th के लिए भी काम आते हैं, जो 11th में आएंगे उनके लिए भी काम आएंगे 10th के बाद। तो आप देख सकते हो, ये एनुअल एग्जाम का पेपर है। थैंक्स।